हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ का व्रत उदय तिथि के अनुसार 2023 में कब है, जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं वो कैसे शुरुआत करें, किन बातों का ध्यान करें, कैसे संकल्प लें, क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और ये व्रत जो है ना, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और करवा चौथ में जो है ना, निर्जला व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है वो निर्जला रखा जाता है। और इसमें चंद्रमा की पूजा करने के बाद शाम को, और उसके बाद जो है ना, भोजन वगैरह कर लेते हैं। तो बहुत सारे घरों में क्या होता है कि करवा चौथ की पूजा के बाद शाम को जो है ना, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अगले दिन भोजन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चंद्रमा की पूजा करने के बाद रात को ही भोजन कर लेते हैं, कथा आदि वगैरह सुनने के बाद। तो देखिए, जो महिलाएं पहली बार व्रत करने की सोच रही हैं वो कैसे करें, जो सर्गी लेती हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। तो जो सर्गी लेती हैं वो सुबह 3:30 मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में सर्गी ले लें, मतलब सूर्य उदय होना उससे पहले ही सर्गी ले ली जाती है। सर्गी में आप दूध, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह, और जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ कुछ भी ले सकते हैं। इसमें पराठे वगैरह भी बना के खा सकते हैं। सुबह 4 बजे से, मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो लोग सर्गी लेते हैं वो उनके लिए है ये। और जो सर्गी नहीं लेते वो सुबह उठें, अपना जो है ना, अपनी जैसे कि सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि वगैरह कर लें, अपने पूजा घर की सफाई करें, उसके बाद क्या करें, अपने जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करें। और फिर उसके बाद आपको पूजा वगैरह करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, हाथ में एक फूल लेना है, थोड़े से अक्षत रखने हैं, एक सिक्का रखना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। जैसे भी आप पहली बार व्रत का शुरुआत करने जा रही हैं या जैसे भी रखना चाहती हैं, उस हिसाब से आप संकल्प लें, अपना गोत्र वगैरह, अपना नाम वगैरह बोल के, अपना अपने पति का नाम जैसे भी होता है। आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जैसे संकल्प लिया जाता है, या फिर आपको मैं भी बता दूंगी अगली वीडियो में एक कि संकल्प कैसे लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद आपको व्रत की शुरुआत करनी है। किसी भी संकल्प के बिना व्रत का कोई भी महत्व नहीं होता, इसलिए सुबह सुबह आपको सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना है, निर्जला व्रत का। देखिए, व्रत तो निर्जला ही होगा, लेकिन ऐसा होता है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम होती है किसी को, तो आप कैसे कर सकते हैं, पूरा दिन निर्जला व्रत रखिए। शाम को 4 बजे जब हम कथा सुनते हैं, अगर आप पहली बार आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है वो निर्जला में ही माना जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जैसे वैसे अगर आपके घर में जैसे चलता आ रहा है शुरू से, जैसा आपका कल्चर है घर का, जैसे आपके घर में व्रत करते हैं आपके बड़े बूढ़े, आपकी मदर इन लॉ वगैरह करती हैं आपके घर में, आप वैसे ही करें। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे आपने सुबह अपने व्रत का संकल्प ले लिया है सुबह सुबह, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा दिन आपको निर्जला व्रत, मतलब निर्जला ही रहना है, अपनी तैयारियां करनी है करवा चौथ के व्रत की, अपने खाने पीने की तैयारियां करनी है, शाम को पूजा आदि वगैरह की तैयारियां करनी है, अपना श्रृंगार करना है 16, उसके बाद आपको 4 बजे पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद आपको 4 बजे कथा सुननी है करवा चौथ माता की। कथा सुनने के बाद आप जो है ना, चाय वगैरह ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में नहीं लेते चाय तो आप मत लें, लेकिन बहुत सारे घरों में ना 4 बजे के बाद कथा करने के बाद चाय वगैरह ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हेल्थ प्रॉब्लम, कभी मान लीजिए बच्चे हैं छोटे, उनको फीड वगैरह कराना होता है या कुछ है, तो चाय दूध में पत्ती लगा के आप ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं, दूध में पत्ती लगा के ले सकते हैं। निर्जला होता है तो निर्जला ही रखिए पूरा दिन। तो दूध में पत्ती लगाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा इंसान ठहर जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, तो बाकी के काम भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, हम तो ऐसे ही करते हैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं वैसे करिए। ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पूरा दिन निर्जला आप रख सकती हैं तो रखिए, वरना आप शाम को 4 बजे कथा सुनने के बाद जो है ना, चाय ले सकती हैं। उसके बाद फिर शाम की अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर दीजिए, शाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने पूरा 16 श्रृंगार करिए, शाम को पूजा आदि वगैरह करिए, अपने करवा चौथ माता की पूजा करिए, आरती करिए गणेश जी की, करवा चौथ माता की आरती करिए, फिर कथा सुनिए गणेश जी की, उसके बाद जो है ना, आप अपने व्रत, चाँद निकलने के बाद, पूजा करने के बाद आपको जो है ना, चाँद निकलने का वेट करना है। चाँद जब निकल जाए, चाँद को अर्घ दे के अपनी सासू माँ को बायना दें। इसमें बायना निकाला जाता है, बायना में 16 श्रृंगार होता है, खाना वगैरह जो हम बनाते हैं वो होता है,
पूरा 16 श्रृंगार दिया जाता है पहले व्रत में। और ये जो बायना होता है ना पहले व्रत में, जो हमारा जो 16 श्रृंगार वगैरह जो हम अपनी सासू माँ को या किसी को देते हैं पहली बार, वो हमारे मायके से आता है। तो आप अपने मायके से मंगा सकते हैं या फिर मायके से खुद ही आता है। देखिए मंगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मान लीजिए आपके मायका दूर है नहीं आ सकता, तो आप खुद भी खरीद के दे सकते हैं अपनी सासू माँ को सारा 16 श्रृंगार बायना, और बायने को मंस के उसके बाद आपको जो है ना पूजा आदि वगैरह करके अपनी सासू माँ को दे देना है, और आपका व्रत होता है पूरा, और उसके बाद आप भोजन वगैरह कर सकते हैं चांद को अर्घ देके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।